हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी ये प्यारा सा पौधान बनाना। फ्रेंड्स, अगर आपके घर पे पुराने कपड़े पड़े हैं तो उसका यूज़ करके आप ये प्यारा सा पौधान बना सकते हैं। इसमें मैंने सारे ओल्ड क्लॉथ का यूज़ किया, यानी कि सारे पुराने कपड़ों का यूज़ किया है, लेकिन आप देख सकते हैं बनने के बाद बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि इसको हमने पुराने कपड़े से बनाया हुआ है। तो अगर आपके घर पर भी ऐसे कपड़े पड़े हुए हैं तो आप उसका यूज़ करके ये प्यारा सा डोरमैट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको पुराने कपड़ों का रीयूज़ करना सीखना है और प्यारे प्यारे डोरमैट का डिज़ाइन बनाना सीखना है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप फ्रेंड्स अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स हमने एक फ्रेम कट कर लिया है। अगर आपको फ्रेम कट नहीं करना है तो आप ऐसे भी इंची टेप की मदद से कर सकते हैं। मैंने एक फ्रेम कट कर लिया है 3x3 का, और उसके बाद हमने कपड़े पर इस तरह से रखना है। आप देख सकते हैं ये मैंने पुरानी शलवार का कपड़ा लिया हुआ है। तो इस तरह से 3-3 इंच का हम मतलब इस फ्रेम को हम रखते जाएंगे और इसको कट करते जाएंगे। इसी तरीके से हमें जितना भी कपड़ा लगेगा, जो भी कलर जितना भी आप लगाना चाहें, हमने आप देख सकते हैं हमने रेड, ग्रीन, येलो और इस तरह से हमने 4 कलर का यूज़ किया हुआ है। अब इसको हम आपको बनाना बता देते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके, चलिए हम आपको इसको बनाना, इसका बेस बनाना सिखा देते हैं। तो बेस बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने क्या करना है, इस तरह से हमने 8 इंच इसकी लंबाई और इसे 8 इंच चौड़ाई रखी हुई है, और इस तरह से हमने इसका सर्कल बना देना है। और सर्कल बनाने के बाद हमें इसे बराबर में इस तरह से कट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा बेस कट करके रेडी हो गया है। अब चलिए, हमारे पास एक पुरानी बेडशीट पड़ी है तो हम उसका यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम जो हमने बेस कट किया हुआ है उसको इसके ऊपर रखेंगे और सर्कल बना लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी फ्रेंड्स हमें इस तरह से कटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स हमने आप देख सकते हैं कटिंग कर दिया है। अब हमें क्या करना है, दोनों बेस को यानी कि जो हमने पुरानी बेडशीट लगाई है और जो हमने ये बोरी लगाई हुई है, इसको एक दूसरे के साथ बराबर में हमें इसको अटैच कर देना है। जब इस तरह से आप अटैच कर देंगे फ्रेंड्स तो आपका जो डोरमैट होगा वो थोड़ा थिक हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसमें पुरानी बोरी, पुरानी बेडशीट, पुरानी जीन्स या कोई भी थोड़ा थिक कपड़ा हो यानी मोटा कपड़ा हो तो आप उसका यूज करके इसको बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बेडशीट ही लगाएं, आपके पास जो भी कपड़ा हो आप उसको लगा सकते हैं। और एक्स्ट्रा जो होगा फ्रेंड्स हमें उसे कट करके निकाल देना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने इसमें राउंड लगा दिया। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट साइड है तो हम पाइपिंग को बैक साइड में रखेंगे, यानी कि उल्टी साइड हम पाइपिंग को लगाएंगे। और रखने के बाद फ्रेंड्स हम इस तरह से इसमें सिलाई चला लेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप इस तरह से राउंड में पाइपिंग आपको लगाना हो तो आप हमेशा तिरछी पट्टी का यूज़ करिएगा। तो आप देख सकते हैं हमने राउंड में घुमा लिया है और अब हम इसमें कट्स लगा देंगे। फ्रेंड्स, कट्स लगाने से क्या होता है कि हमारा जो ये फोल्डिंग करने में हमें जो होती है कठिनाई वो नहीं आती। इस तरह से हम अंदर में फोल्ड करेंगे और जब हम इसमें कट लगा चुके हैं तो हमें फोल्डिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये इस तरह से हम इसको कट इसको इस तरह से घुमाते जाएंगे और इसकी स्टिचिंग लगाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ हमने इसको फोल्ड कर लिया है। लास्ट में हम जब पहुंचेंगे तो इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर करके इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स हम इसको इस तरह से अंदर की तरफ घुमाते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इसकी स्टिचिंग लगा ली है, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी लग के रेडी हो गई है। तो चलिए हम इसको आपको बनाना सिखा देते हैं। फ्रेंड्स हमने जब फर्स्ट राउंड बनाया तो हमने कैमरा जो है फ्रेंड्स हमने ऑन किया, लेकिन गलती से हमारा कैमरा ऑन नहीं हो पाया तो हम शूट नहीं कर पाए हैं। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं हमने टू लेयर कम्प्लीट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, शूट हो गया है तो भी जैसे हम सेकेंड राउंड लगा रहे हैं ना वैसे ही सेम हमें फर्स्ट राउंड भी लगाना है, इसी तरीके से हमने सेकंड राउंड भी लगा लेना है ये इस तरह से। अब हम येलो कलर का यूज़ करेंगे, रेड ग्रीन उसके बाद येलो। अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो इस तरह से बना करके भी जब पहले आप रेडी कर लीजिए उसके बाद आप रखते जाइए और स्टिचिंग लगाते जाइए। हमने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, आप चाहें तो इस तरह से रेडी करके भी रख लें और स्टिचिंग लगाते जाएँ इस तरह से। अब जब इस तरह से रखे रहेंगे तो आपको जल्दी बनाने में आसानी हो जाएगी ये इस तरह से, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी आप बनाते जाएं और लगाते जाएं। फ्रेंड्स ये डोरमेट बहुत जल्दी बन जाता है, दिखने में तो लगता है कि बहुत टाइम लगेगा, बाबा कौन बनाए, लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप इसको बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। और बनने के बाद फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है, कपड़े जो होते हैं फ्रेंड्स इधर उधर फैले होते हैं, घर भी बिखरा बिखरा सा लगता है, तो क्यों ना हम लोग इसको ट्राई करें और ये प्यारी सी चीज़ ऑर्गेनाइज़ कर लें, दिखने में भी अच्छा लगेगा और हमारा घर भी साफ रहेगा। तो इसको आप फ्रेंड्स ज़रूर बनाइएगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें पूरे राउंड में इसी तरीके से घुमाते जाना है और पूरे राउंड में हमें इसी तरीके से इसको स्टिच करते जाना है। तो हमारा थर्ड लेयर जो है फ्रेंड्स इसी तरीके से हम रखते जाएंगे, आप देखिए हमारा थर्ड राउंड चल रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा, ये इस तरीके से अगर आप जब रेडी करके रखे रहेंगे तो इसी तरीके से आपको बनाने में आसानी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जैसे हमने थर्ड राउंड कंप्लीट किया वैसे ही हमें फोर्थ राउंड भी कंप्लीट कर लेना है। तो इसके लिए हम स्काई ब्लू कलर का यूज़ करेंगे। तो इस अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, हमने इसको कट करके रखा हुआ है तो अब हमें नेक्स्ट में भी ऐसे ही करना है। ये हमने इसको ऐसे फोल्ड किया देन उसके बाद ऐसे फोल्ड कर लिया, तो इसी तरीके से फोल्ड करते जाना है और इसको करते जाना है। देखिए आधे से फोल्ड किया देन ऐसे, फिर उसके बाद इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें इसको बनाते जाना है, ये इस तरीके से पूरे में फ्रेंड जैसे हमने बनाया है ऐसे ही हमें पूरे राउंड में यानी कि पूरा ये फोर्थ राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड्स तरीका हमारा सेम रहेगा, ऐसे ही हमें आगे बनाते जाना है और इसको स्टिच करते जाना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है, तो हम लास्ट में देखिए ऐसे करते जाएंगे और ये हमने इसको बीच से फोल्ड करना है, फिर उसके बाद हाफ इधर से हाफ इधर से। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए हमने पहले रेड कलर लगाया है, उसके बाद हमने ग्रीन कलर, येलो और स्काई ब्लू आप देख सकते हैं। अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम अब फिर से रेड कलर का यूज़ करेंगे। तो रेड कलर का यूज़ करेंगे उसके बाद हम फ्रेंड्स देखिए ऐसे जैसे हमने पहले बनाया था ना सेम वैसे ही हमें पूरे में राउंड में बना लेना है। अगर आपको लगता है कि हमारा राउंड सही नहीं बन रहा है तो आपको ऐसे एक चौक की मदद से इस तरह से इस पे बेस जो है हमारा उसमें आप सर्कल पहले से भी बना सकते हैं। आप एक एक इंच पे निशान लगा लीजिए, उसके बाद एक एक इंच पे निशान लगाने के बाद आप उसी एक इंच पे जो राउंड बनाए रहेंगे ना उसी पे आपको रखते जाना है और स्टिचिंग इस तरह से लगाते जाना है। अगर आप बिगनर्स हैं या पहली बार आप बना रहे हैं तो आप उसको ज़रूर कर लीजिएगा, जो कि हम बताना आपको भूल गए हैं क्योंकि हमने अगले जो हमारी पिछली वीडियोस हैं हमने उसमें आपको राउंड बनाना बताया हुआ है कि किस तरह से हमें राउंड बनाना होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा जो है रेड कलर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम जैसे ऊपर हमने रेड के बाद ग्रीन यूज़ किया है तो अब हम फिर से ग्रीन यूज़ करेंगे। तो अब हम ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे जैसे हमने उसमें बनाया है ये इस तरह से।
अब हम ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे, ऐसे ही उसके ऊपर रखते जाएंगे और इसको इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। ये इसी तरीके से फ्रेंड्स हमने पूरे में ग्रीन कलर, जैसे हमने रेड कलर यूज़ किया है ऐसे ग्रीन कलर कंप्लीट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने पूरा ग्रीन कलर से पूरा राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम येलो कलर लगाएंगे फ्रेंड्स। तो येलो कलर के लिए हमने फ्रेंड्स ये देखिए हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। ग्रीन के बाद ऊपर हमने येलो लगाया तो नीचे भी हम येलो रिपीट करेंगे। तो इसी तरीके से येलो कलर को हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ है और हम आपको बना करके भी दिखा दे रहे हैं ताकि आपको आसानी रहे कि अगर आप बना कर रखें तो भी, अगर आप डायरेक्ट लगा रहे हैं तो भी। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने येलो कलर और स्काई ब्लू कलर दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम वाइट कलर का यूज़ करेंगे इसके ऊपर। तो इसी तरीके से हम वाइट कलर का भी यूज़ करेंगे और पूरा वाइट कलर को हमने, जैसे हमने सारा का राउंड बनाया ना, और लास्ट में एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हमें काट करके निकाल देना है। तो इसी तरीके से हमें बनाते जाना है और एक्स्ट्रा कपड़ा जो होगा फ्रेंड्स हमें उसे कट करते जाना है। इसी तरीके से हम पूरा राउंड को कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। हम वापस से फिर से वाइट कलर ही यूज़ करेंगे। तो वाइट कलर यूज़ करने के लिए फ्रेंड जैसे हमने ये राउंड वाइट वाला कंप्लीट किया वैसे ही हमने पूरे में कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम बीच में गोल गोल सा सर्कल लगा देंगे वाइट कलर का। तो इसके लिए फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो कोई भी कपड़ा हो, कोई भी थोड़ा टाइट हो तो उसके लिए आप लगा सकते हैं। या हमने सर्कल में एक, हमारे पास कागज़ पड़ा था वो थोड़ा सा हार्ड होता है तो इसलिए हमने उसको अंदर से इस तरह से अंदर लगा दिया हुआ सर्कल। इस तरह से लगाने से क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारा सर्कल जो है वो आसानी से बन जाएगा। ये इस तरह से हम उसको अंदर से कपड़े को अंदर करते जाएंगे और इसकी स्टिचिंग लगाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप, ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर की ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम इसी तरीके से घुमाते जा रहे हैं और इसकी स्टिचिंग लगाते जा रहे हैं। लास्ट में फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारा जो ये बीच में होता है ना, तो हमारा थोड़ा सा ये कपड़ा मोटा हो जाता है तो हमें स्टिचिंग लगाने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो आप आसानी से बहुत केयरफुली लगाइएगा, इसमें नीडल टूटने का भी डर रहता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा डोरमैट कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा, और कितना हमारा डोरमैट जो है दिखने में प्यारा लग रहा है और बहुत ही फ्रेंड्स फिनिशिंग के साथ हमने इसको कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं बनने के बाद ये हमारा डोरमैट कितना थिक थिक सा बना है और कितना प्यारा लग रहा है। इसकी पूरी लेयर जो है अलग अलग सी दिख रही है। तो देखिए आप फ्रेंड्स ये हमने पूरा कंप्लीट किया हुआ है। और फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जब आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल को तो हम इस पर तरह तरह की वीडियोस डालते रहते हैं, डोरमैट के डिज़ाइंस वगैरह। और इसमें फ्रेंड्स हम आपको इस चैनल पर सिलाई भी सिखाते हैं और ओल्ड कपड़े का रीयूज़ करना भी हम आपको इस पर सिखाते हैं। तो आपको अगर आप सिलाई सीखना है और आपको ओल्ड कपड़े का रीयूज़ करना सीखना है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।